व्हाट्सअप यूट्यूब के फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइकिल खबर में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपने गियर्स और अपने खड़ी व्हील वगैरह को कैसे प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएंगे, जिस वजह से हमारी गियर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे। साइकिल में लगा है असेरा, ये टूर्नी, एल्टस, असेरा, एलिबू, सारे ही आजकल मोस्टली तो काम कर ही जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि जो मेरा गियर्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड आज जैसे कि देख सकते हो, इस टाइम पे मैंने मेरी साइकिल जो है थर्ड गियर पे, तो मैंने इसको सेकंड पे डाला तो जा नहीं रहा है, तो मेरे को एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो अब जाके काफ़ी देर बाद ये ऊपर गया है, जैसे देखो तो अभी भी ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो मैं फ्रेंड आपको काफ़ी सिंपल टेक्निक बताऊँगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो एक बैरन एडजस्टर है ये सारी चीज़ को ठीक कर पाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, जो आपका सेंटर वाला जो व्हील होता है, तो अगर सपोज़ आपने थर्ड गियर पे इसको डाला है तो ये भी उसके नीचे एकदम थर्ड गियर पे ही होना चाहिए। तो अगर वो थर्ड गियर पे होगा तो इसका मतलब आपके गियर जो वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो मेरा तो थर्ड गियर पे है, बट मेरी बस एडजस्टमेंट साइकिल की ख़राब हुई है। तो मोस्टली साइकिल्स में यही प्रॉब्लम आती है, तो आपने बस इसी को ही ठीक करना है। तो चलिए इसको मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर के लिए काम करेगा। मतलब अगर आपके गियर्स ऊपर प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, तो अगर आप इसको उस तरफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये काम करेगा, ऊपर के लिए काम करेगा। और अगर आपके गियर्स स्लिप कर रहे हैं नीचे उतरते वक्त, तो आपने इसको स्लाइटली इस तरफ को कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट पहले सेवंथ गियर पर लेके जाता हूँ, फिर इसको एक बार रिपेयर करता हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये नीचे नहीं जा रहा है, मैंने सेवंथ गियर डाल दिया। ठीक है, और मेरी आगे से भी आवाज़ आने लग पड़ी, बिकॉज सेवन्थ के साथ थर्ड वाली कॉम्बिनेशन काम करती है। मतलब 21 का कॉम्बिनेशन जब बनेगा, लास्ट गियर यहाँ से, फर्स्ट थर्ड फ्रिक्शन वहाँ से। ठीक है, तो इसलिए वो काम आवाज़ आ रही है आगे से। अब ये सिक्स पे आ गई, पर थोड़ा सा इसको लैग हुआ, तो मैं ज़रा सा इसको एक बार मैंने स्टेप को घुमा दिया। ठीक है, अब चलो फिफ्थ पे, अब देखो आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा स्लाइड किया, अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है, अब आ गया फिफ्थ पे। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं, थोड़ा सा लैग है, ये भी हो गया। चलिए थर्ड पे लैग है, पर फिर भी हो गया, चलो फिर भी हम थोड़ा सा ही ला देते हैं। सेकंड के लिए काफ़ी लैग है, देखो कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ अभी भी कर रहा हूँ। लो, सेकंड पे भी आ गया। तो फ्रेंड यार, मेरे जो गियर्स है वो ऊपर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब मैं ज़रा नीचे के लिए करके देखता हूँ कि मेरी जो चेन है वो प्रॉपर नीचे आ पा रही है कि नहीं। सेकंड पे थोड़ा सा आ गया, बट थोड़ा सा लैग है, तो मैंने इसको ज़रा सा इस तरफ को कर दिया। थर्ड पे भी आ गई, फोर्थ पे भी आ गई, फिफ्थ पे भी आ गई, सिक्स पे भी आ गई, सेवन्थ पे भी आ गई। तो फ्रेंड यार, ये थी मेरी वीडियो, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉर्मर को फॉलो कर लो, आपको इंस्टाग्राम हैंडल वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो फ्रेंड यार, कैसी लगी वीडियो बताना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल साइकिल हैबिट। फ्रेंड यार, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज हम लोगों ने रखा हुआ है। राइड हार्ड, राइड सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो पर।